गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। अंचल सिंह तो नाम बहुत बड़ा हो गया भाई, चलिए अच्छी बात है। yeah? नाम बहुत बड़ा हो गया, पूरा फुल आ रहा है। गुड, वेरी गुड। चलिए आज मैं स्टार्ट कर रहे हैं CIR का एप्लीकेशन देखना था। हमने बात की थी CIR के डेली लाइफ एप्लीकेशन की। CIR का डेली लाइफ एप्लीकेशन में आपको जितने भी एग्जांपल्स हैं उनका हम रे डायग्राम आपको दिखा रहे हैं, और ये एज अ कार्ड एक्सप्लेन करने के लिए आते हैं। और एक न्यूमेरिकल में एंडोस्कोपी या ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन है, जिसका न्यूमेरिकल भी आपसे पूछा जाता है, तो उसको हम लोग फुल फ्लेज डिस्कस करेंगे। कल हमने बात की थी मिराज की। मिराज हमने कहा था डेजर्ट प्लेसेस में या जहां बहुत गर्मी पड़ती है वहां आपको डिस्टेंट ऑब्जेक्ट या ट्रीज की इन्वर्टेड इमेज दिखाई देंगी, और इस इन्वर्टेड इमेज की वजह से आपको ऐसा लगेगा कि देयर इज अ पूल ऑफ वाटर, और आप जब वहां पहुंचेंगे तो रियल में वहां कोई पूल ऑफ वाटर मीन्स वाटर पॉन्ड नहीं होगा। ऐसा इस वजह से होगा क्योंकि अगर हम मान लेते कि ये ग्राउंड है और चलिए ये एक डेजर्ट यानी रेगिस्तान प्लेस है, ये वो डेजर्ट नहीं है जो खाने के बाद आपसे पूछा जाता है कि विच डेजर्ट यू प्रेफर, तो आप झट से बोलते हैं सहारा डेजर्ट ले चलो खाना खाने के बाद। होटल में जब आप खाते तो फाइनली आपसे पूछता है सर विच डेजर्ट, तो बोलते सहारा ले चलो, साउथ अफ्रीका में है ले चलो, डेजर्ट ले चलना है तो ले चलो। तो कहते हैं नहीं नहीं सर, जो स्वीट्स वगैरह आप मांग रहे हैं कोल्ड ड्रिंक, तो ठीक है अच्छी बात है। तो यहाँ अगर हम कहते हैं ये ग्राउंड है तो इस ग्राउंड के ऊपर एयर की डेंसिटी वेरिएशन होगा। अगर ये बालू है सैंड ठीक है या हॉट ग्राउंड, तो नीचे टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर हाई, और ये हमने कहा दिस इज अ ग्राउंड ग्राउंड, तो टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से होता ये है कि नीचे एयर की डेंसिटी कम हो जाती है। हम एयर की डेंसिटी को डिफरेंट लाइंस के थ्रू शो करने वाले हैं। ये लाइंस अगर हम क्लोज बनाएंगे तो मतलब होगा डेंसिटी ज्यादा है, और अगर रेयर फ्राइड बनाएंगे तो मतलब होगा डेंसिटी कम है। तो नीचे टेम्परेचर ज्यादा है। शायद आपको याद हो ये बात कि रेगिस्तान में जैसे आप राजस्थान वगैरह जाएं तो वहां दिन में बहुत गर्मी पड़ती है और रतिया में इतना ठंडी पड़ता है कि कंबल ओढ़ना पड़ता है। उसका कारण ये है कि जो सैंड है वो क्विक एब्जॉर्ब करता है ऑल ऑफ द हीट और क्विक रेडिएट करता है। तो दिन में जब बहुत गर्मी है, बहुत सनलाइट अवेलेबल है, तो ये सैंड गर्म हो रहा है और तुरंत इन अ सेकंड रिलीज कर दे रहा है, पूरे एटमॉस्फेयर में गर्मी फैल जा रही है, इस वजह से गर्मी है। और शाम होने के बाद उसको सन से हीट मिलना बंद हो जाता है, तो हीट मिलना बंद होते ही अब वो हीट तो पा नहीं रहा है कि रेडिएट करे, इस वजह से एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर गिरने लगता है और रात तक जाते जाते एकदम ठंडा हो जाता है। हम लोग के यहाँ तो भोर में जाकर ठंडी होती है, वहां शाम को 7-8 बजे के बाद एकदम ठंडी हवाएं चलने लगती है, लगता है कि हाफ स्वेटर या कंबल ओढ़ना पड़ेगा। तो ऐसा इस वजह से है क्योंकि जो वहां की मिट्टी है, जो बालू है, वो एक अच्छी एब्जॉर्बर और इमिटर है ऑफ द हीट। तो बिल्कुल वैसा ही है, होता ये है दिन के समय में कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो ग्राउंड ने एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करते ही रेडिएट करने की कोशिश किया। नीचे जो एयर की लेयर है वो दूर दूर हम बना रहे हैं। देखिए हमने एयर की एक लेयर बनाई, दिस हमने एयर की दूसरी लेयर बनाई, देखिए गैप कम करते जा रहे हैं। जैसे जैसे अपर एटमॉस्फेयर में जमीन से दूर हटेंगे वैसे वैसे टेम्परेचर नॉर्मल होता जाएगा, एयर की डेंसिटी भी नॉर्मल होती जाएगी, और नॉर्मल एयर की डेंसिटी हाई होती है। इस तरीके से ये हम लेयर्स दिखा रहे हैं एयर की, बहुत सारी लेयर्स है। आपने एक लेयर खाया होगा ठीक है, वो चॉकलेट की लेयर होती है, ये एयर की लेयर है। तो यहाँ एक नहीं बहुत सारी लेयर है, और हमने देखिए बहुत सारी एयर की लेयर्स को बना डाला, और आगे ये जो बना रहे गैप कम कर रहे हैं, इसका मतलब है एयर की डेंसिटी हाई हो चुकी है यहाँ तक आते आते। चलिए हम रुक गए यहाँ पे। अभी अगर हम एक ट्री बनाते यहाँ पे, दिस अब देखिए फिजिक्स में है तो हम किसी को मार नहीं सकते, तो अकॉर्डिंगली हमने एक ट्री बनाया है, पत्ती झड़ गई है लेकिन नारियल है, सो दैट जो दौड़ कर यहाँ पहुंचेगा हम और आप, अगर पानी नहीं मिला तो क्या हुआ, नारियल तोड़ के खा लेंगे, पानी पी लेंगे, ठीक
ठीक है, इस तरीके से हम लोगों के जिंदा रहने की पॉसिबिलिटी मेंटेन रहेगी। तो अभी पढ़ाई हो जाएगा तो नारियल हम फोड़ देंगे, सब लोग मिलके खा लिया जाएगा। तो अगर हम यहाँ इस डिस्टेंट ट्री, हाई हाई ट्री को काफी दूर से, इधर से काफी ऊंचाई पे चढ़ के देख रहे हैं यहाँ से, तो ये ट्री हमें कैसे दिखेगा, ये हम आपको रे डायग्राम से दिखा रहे हैं। बहुत सारी रेज आप इससे खींच सकते हैं, उनमें से एक रे हमने ली हेड से लाइक दिस, ये देखिए एक रे, ये दस, ये रे जैसे ही फर्स्ट लेयर से टकराई, देखिए ये डेंसर टू रेयरर का केस है, अपर एटमॉस्फेयर टू लोअर एटमॉस्फेयर रेयरर है, मतलब जैसे जैसे नीचे आएगी रेयर होती जा रही है, रेयरर मीडियम होता जा रहा है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, सेकेंड लेयर पर टकराई और अवे फ्रॉम द नॉर्मल और अवे फ्रॉम, किसी लेयर तक जाते जाते ये इतना एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि अभी भी तो डेंसर टू रेयरर है, अगर अभी भी आना हो तो उस केस में ये मोर अवे टू द नॉर्मल होगा, लेकिन किसी लेयर पर एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन अगर क्रिटिकल एंगल हो जाए तो ये तुरंत रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। तो डिफरेंट लेयर से स्ट्राइक हो रही है, डेंसर टू रेयरर मूव कर रही है, लेस देन क्रिटिकल एंगल पर है तो रिफ्रैक्ट होके आगे बढ़ जा रही है, एक लेयर तक आते आते उसका एंगल ऑफ हिटिंग या एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना ज्यादा हो जा रहा है कि अब वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के क्राइटेरिया में सेट हो रही है, और ऐसा होते ही अब ये रिफ्लेक्ट बैक हो गई। ये देखिए अब जब ये ऊपर बढ़ेगी तो अब तो डेंसर टू रेयर जा रही है, टूवर्ड नॉर्मल, टूवर्ड नॉर्मल ऐसे करते हुए ये पहुंचेगी उस पर, बहुत सारी रेज में से कोई रे उसके तक पहुंचेगी। अब अगर इस रे को आप बैक साइड प्रोड्यूस करें, इस रे को बैक साइड अगर प्रोड्यूस करें तो ये ग्राउंड को कहीं हिट कर रहा होगा, ये इसी तरह से ये हर पॉइंट ट्री का ऐसा होगा, ये जो ये वर्टिसेस है उसकी रे ऐसे बेंड होकर के गई है, टेंजेंशियल ट्रेस करने पर ग्राउंड पर जहां हिट करेगा वहां ये हेड दिखाई देगा, यानी ये हेड आपको यहाँ दिखाई देगा ऐसे, इसी तरह ट्री का जो बाकी पार्ट है अगर उसके लिए ट्रेस करें तो आपको दिखाई देगा ऐसे। ये देखिए मीन्स ये जो आपको ट्री है ऑन ग्राउंड एबव, वो ऑन ग्राउंड एबव ना दिखा के बिलो द ग्राउंड आपको दिखेगा, इन्वर्टेड दिखेगा, और आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पूल ऑफ वाटर है, क्योंकि प्लांट की इन्वर्टेड इमेज से आपको पानी होने का वर्चुअल अपियरेंस मिलेगा, और जब आप दौड़ कर आएंगे तो आप देखेंगे पानी नहीं है। तो मिरर क्या है, एन ऑप्टिकल इल्यूजन, जो टी आई आर की वजह से एक डिस्टेंट टी की इन्वर्टेड इमेज दिखाता है ऑन द ग्राउंड, जिससे हमें ऐसा लगता है वहां पानी है, और जब हम वहां पहुंचते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता। दिस इज ओइंग टू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कोई न्यूमेरिकल नहीं, कोई फर्दर नहीं, बस आपको एक लाइन में जानना है, डायग्राम बना के लिख देना है कि लोअर ग्राउंड पर टेम्परेचर हाई तो एयर की डेंसिटी कम, ऊपर टेम्परेचर लो होता गया है तो एयर की डेंसिटी ज्यादा, एयर के हेड से हमने एक रे चलाई है जमीन की तरफ तो वो सीधे ना जाके अवे टू द नॉर्मल, अवे टू द नॉर्मल, अवे टू द नॉर्मल होते होते जब किसी लेयर पर ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल पर पहुंची है तो रिफ्लेक्ट बैक हो गई है। रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद टूवर्ड नॉर्मल, टूवर्ड नॉर्मल, टूवर्ड नॉर्मल मुड़ती हुई डिस्टेंट ऑब्जर्वर के आई पर पहुंची है, टेंजेंशियल ड्रा करने पर उस हेड की एक इमेज ऑन द ग्राउंड दिखने लगी है, और इस इमेज को पूरा अगर किया जाए तो ये एक इन्वर्टेड इमेज है। दूसरा ले लीजिए लूमिंग, हमने कल आपको लूमिंग में बताया था, जो आर्कटिक जोन है मतलब जहां ठंडा है, ठंडे देश, हम लोग यहाँ गोवा चल चलिए वहां हमेशा ठंडी है, हमेशा ठंडी मतलब इतनी गर्मी नहीं पड़ती, तो अगर हम गोवा चल के पहुंचते तो वहां आप देखते कि डिस्टेंट बोट शायद आपको डायरेक्ट आई से ना दिखाई दे ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ, लेकिन अगर आप उसको क्लाउड में देखें तो शायद आपको क्लाउड में उसकी एक इरेक्ट इमेज दिखाई दे। मैं डायग्राम बना के आपको दिखा रहा हूं, लूमिंग, लूमिंग ये ग्राउंड हो गया, दिस कर्वेचर हो गया, एंड दिस इज द सी वाटर, समुद्र का पानी हो गया, ये इस तरीके से नीचे है, दिस ये यहां एक बोट है दिस, और आप यहां है,
आपको हर वो चीज नहीं दिखेगी जो अर्थ सरफेस पर खींची गई टेंजेंट के बिलो है। इस लाइन को जो अर्थ सरफेस पर आप टेंजेंशियली खींचते हैं इसको आप हॉरिजन कहते हैं। कहते हैं बिलो हॉरिजन आप नहीं देख सकते, हॉरिजन के नीचे आप नहीं देख सकते। HORIZON हॉरिजन, बिलो हॉरिजन आप नहीं देख सकते। ये लाइन अर्थ पर टेंजेंट हमने खींची, इसके नीचे होने की वजह से ये सिर्फ आपको नहीं दिख रहा। अब यहाँ टेम्परेचर कम है ग्राउंड पर तो एयर की डेंसिटी ज्यादा होगी, और जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे एयर की डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। अगर हम बहुत सारी लाइन खींचे हैं एज अ लेयर ऑफ द एयर, तो हमने एक लाइन खींची नियर द ग्राउंड, ये एयर की लेयर है, और यहाँ टेम्परेचर कम है क्योंकि जहां पानी होता है वहां आपको पता है कन्वेक्शन होते रहते हैं, और टेम्परेचर की वजह से कन्वेक्शन जो एयर का फ्लो मेंटेन होता है उससे हीट एब्जॉर्ब होती है और ठंडी बनी रहती है। कहते हैं कि जो जो शहर नदियों के किनारे बसे होते हैं जैसे गोवा है, बॉम्बे है, ठीक है और भी होंगे मुझे नहीं पता, तो वो ठंडे होते हैं, वो उतनी गर्मी नहीं पड़ती जितनी हम लोगों को पड़ती है इन द सेंट्रल जोन। तो यहाँ हमने एयर की लेयर को पास पास बनाया है, जैसे जैसे अपर एटमॉस्फेयर की तरफ बढ़ेंगे टेम्परेचर ज्यादा होता जाएगा, एयर की डेंसिटी कम होती जाएगी, एयर की लेयर हम दूर दूर करते जाएंगे। तो अगर हम ये एक और लेयर बना रहे हैं तो हमने थोड़ा सा गैप बढ़ा दिया, एक और लेयर बना रहे हैं और गैप बढ़ा दिया, मतलब एयर की डेंसिटी डिक्रीज कर रही है, इसको डायग्रामेटिकली हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। ये देखिए ऐसे ये बढ़ता चला जाएगा, और ऊपर बनाए तो और कम हो गई एयर की डेंसिटी ऐसे। अब आप डिस्टेंट सिप से अगर बहुत सारी रेज लेते, उस बहुत सारी रेज में से हमने एक रेली देखिए, ये जब पहली लेयर पर टकराई तो डेंसर टू रेयरर अवे टू द नॉर्मल, फिर डेंसर टू रेयरर अवे टू द नॉर्मल, फिर डेंसर टू रेयरर, मतलब ये जैसे जैसे नेक्स्ट एयर लेयर पर पहुंच रही है जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ जा रहा है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ गया, और एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ते बढ़ते कहीं ऐसा ना हो कि ये अबव द क्रिटिकल हो जाए, क्योंकि अगर ये अबव द क्रिटिकल हो जाएगा तो ये अब आगे नहीं जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, यानी यहां से रिफ्लेक्ट बैक हो गई। देख अब जब आगे जाएगी तो अब ये रेयरर टू डेंसर है, तो बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, टुवर्ड द नॉर्मल, देखिए ये हो गई। अगर हम एक टेंजेंट डेवलप कर रहे हैं तो ये देखिए स्पेस में चला गया, आप एक और बना सकते थे यहाँ हेड से, अगर हम बनाते तो ये ऐसे आता, ये देखिए डेस्क दिख रहा है, ये इससे भी एक टेंजेंट खींच लेते, ये क्लाउड में जहां इंटरसेक्शन करेगा, आपको जो नोट्स आपके पास है ऑनलाइन नोट्स है उसमें देखिएगा, ठीक इसी के ऊपर ये क्लाउड में जहां इंटरसेक्शन शो कर रहा है वहां आपको एक इरेक्ट इमेज दिखाई देगी। तो ये जो बेंडिंग हो रही है लाइट रे की, ये अकॉर्डिंग टू डेंसर टू रेयरर हो रही है, और डेंसर टू रेयरर में एक केस होता है, और वो केस है जिस पॉइंट पर एंगल ऑफ इंसिडेंस, जब डेंसर टू रेयरर केस होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन अगर क्रिटिकल एंगल हो जाता है तो रिफ्रैक्शन ना होके रिफ्लेक्शन होता है और लाइट रे वापस रिवर्स बैक हो जाती है। इस प्रोसेस में आपको वर्चुअल इमेज जो मिलेगी वो क्लाउड में मिलेगी, तो आपको इस डिस्टेंट सिप की अवेलेबिलिटी ठीक इसी के ऊपर क्लाउड में इरेक्ट इमेज के फॉर्म में दिखेगी। दिस इज अगेन ओइंग टू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कल हमने एक स्टेटमेंट और दिया था, वो स्टेटमेंट था कि सन शाइनिंग के पहले ही अपीयर हो जाता है या सनसेट होने के बाद बहुत देर तक एटमॉस्फेयर में बना रहता है। क्यों? अगर हम सन की बात करें तो सन के लिए आप देखिए कि अगर हम अर्थ सरफेस पर टेंजेंट खींच लें कॉल्ड हॉरिजन, और रियल में अगर सन हॉरिजन के बिलो है तो हमें नहीं दिखना चाहिए। तो अगर हम ये अर्थ को एक्सप्रेस कर रहे हैं ऐसे और हम एक टेंजेंट ट्रेस कर रहे हैं ये, और इसका इसको हॉरिजन कह रहे हैं, सनसेट हो जाने का मतलब इस हॉरिजन के नीचे आ जाना, सनराइज होने का मतलब हॉरिजन से ऊपर उठना। तो मान लेते हैं सुबह हुई है और अभी सनराइज नहीं हुआ है तो सन को नीचे होना चाहिए यहाँ इस हॉरिजन के अकॉर्डिंगली, अर्थ पर सिचुएटेड किसी भी पर्सन को ये सन नहीं दिखना चाहिए लेकिन दिखेगा।
कैसे दिखेगा? सुबह के टाइम में जब सन की अभी राइजिंग ही नहीं हुई है तो अर्थ ठंडी है, तो अर्थ की डेंसिटी नियर द सरफेस, एयर की डेंसिटी नियर द अर्थ ज्यादा है क्योंकि अर्थ ठंडी है, यानी हम एयर की लेयर को पास पास बनाएंगे नियर द ग्राउंड। हमने एक लेयर बनाई, हमने दूसरी लेयर बनाई, हमने तीसरी, पास पास बनाने का मतलब यहाँ कूल है, एयर की डेंसिटी हाई है, लेकिन जैसे जैसे अपर एटमॉस्फेयर में जाएंगे रेडिएशन की वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से एयर की डेंसिटी घटेगी, और घट रही है एयर की डेंसिटी, मतलब देखिए हम लेयर के बीच गैप बढ़ा रहे हैं, ये बता रहा है एयर की डेंसिटी नियर द ग्राउंड हाई है, एबव द ग्राउंड लो है, और अगर ऊपर तक आना है आपको तो और दूर हमने लेयर को कर दिया, इस तरीके से एटमॉस्फेयर में ऊपर जाने पर एयर की डेंसिटी कम हो गई। अब सन की बहुत सारी रेज में से आप एक रे ले लीजिए, थोड़ा दूर कर ले रहे हैं इसको, ये सन है, रियल सन बिलो हॉरिजन है, नहीं दिखना चाहिए, बहुत सारी रे में से हमने एक रे ली डेस। अब आपको क्या लग रहा है, सीधी चली जाएगी? डेंसर टू रेरर का केस है कि जब आगे बढ़ेगी तो आगे बढ़ते ही डेंसर टू रेरर, अवे टू द नॉर्मल, अवे टू द नॉर्मल, अवे टू द नॉर्मल, एक लेयर तक आते आते एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा और ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और रिफ्लेक्ट होने के बाद टूवर्ड नॉर्मल, टूवर्ड नॉर्मल होते हुए सरफेस पर पहुंचेगी। अब अगर आप टेंजेंट ट्रेस कराए तो ये टेंजेंट सन की अपियरेंस को देखिए कहां शो कर रहा है, ये टेंजेंट सन की अपियरेंस को यहां शो कर रहा है, यानी कि बिलो हॉरिजन है तो रियल में नहीं दिखना चाहिए, लेकिन इसके रेज के बेंड हो जाने की वजह से और TIR शो कर देने की वजह से एक वर्चुअल इमेज ऑफ द सन अपीयर होती है इन द अबव एटमॉस्फेयर। पूजा पाठ में अक्सर हम लोगों को मतलब हिंदू मैथोलॉजी में जानना पड़ता है सन राइजिंग का टाइम, रियल टाइम क्या है, तो रियल टाइम इसलिए क्योंकि रियल में तो अभी आया ही नहीं है, ये कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त, कहते हैं That is dawn in English, कहते हैं dawn। तो यहाँ जो ब्रह्म मुहूर्त है उसमें पूजा पाठ करने का अपना अलग एक इम्पोर्टेंस होता है, तो उसमें ये एग्जैक्ट हमें चाहिए कि हॉरिजन के ऊपर कब आएगा, लेकिन एक्चुअली में टोटल इंटरनल की वजह से वर्चुअल अपीयरेंस हो गया, तो ये टाइम का फॉल्ट आता है, ये 5 मिनट या 7 मिनट का अंतर आता है, और यहाँ तो हर सेकेंड का मतलब होता है, तो इसीलिए फिजिक्स से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि सन बिफोर राइजिंग, सन के राइज होने के कितने सेकेंड या मिनट पहले उसकी एक वर्चुअल अपीयरेंस आ जाएगी एंड किस टाइम पर वो रियल में हॉरिजन के ऊपर होगा। इसी तरह जब सन सेट हो जाता है तो बिलो हॉरिजन चला जाता है, बिलो हॉरिजन की वजह से हमें नहीं दिखना चाहिए, यानी सन सेट हो चुका है फिर भी अपीयरेंस बनी हुई है, क्योंकि जब सन सेट होता है तो भी तो अर्थ ठंडी होती है और अर्थ के ठंडी होने की वजह से लोअर ग्राउंड पर एयर की डेंसिटी ज्यादा हो जाती है, अपर एटमॉस्फेयर में एयर की डेंसिटी कम रहती है। अब बहुत सारी रेज में से अगर हम एक रे चलाएं तो ये इस लेयर को जैसे ही क्रॉस करने की कोशिश करेगी, डेंसर टू रेरर, अवे टू द नॉर्मल, अब फिर अगले लेयर को क्रॉस करने की कोशिश करेगी तो डेंसर टू रेरर, अवे टू द नॉर्मल, अवे टू द नॉर्मल, कहीं ऐसा ना हो कि किसी लेयर पर हिटिंग एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो जाए, अगर ऐसा हुआ तो ये रिफ्लेक्ट बैक टू सेम मीडिया होगी, ये फट से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और अब रिफ्लेक्ट होगी तो डेंसर से रेरर में आ रही है, टूवर्ड द नॉर्मल, टूवर्ड द नॉर्मल। अगर हम टेंजेंट ट्रेस करें तो फिर हमें ये स्पेस में क्लाउड के साथ इंटरसेक्शन होता हुआ दिखेगा और सन के एग्जैक्ट ऊपर क्लाउड में जहां ये रे जाके हिट करेगी वहां आपको एक वर्चुअल सन दिखाई देगा। तो ये सब टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के बेस्ट एग्जांपल हैं। आ जाइए दो सेकंड लास्ट एग्जांपल आपके पास है, जिसमें एक है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम, या बायोलॉजी में हम एंडोस्कोपी के नाम से जानते हैं। कम्युनिकेशन में हम जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो आप जान ही रहे हो, ये जो लाइट है और द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये जो टेम्परेचर है थर्मल और द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अल्ट्रा वायलेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रेडियो वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स काफी लार्ज स्पैन में है, ये स्पेस की एनर्जी का काज है,
इनका एक छोटा सा प्रपोर्शन है जो जो विजिबल जोन में पड़ता है, जिसको आप विजिबल लाइट कहते हैं, और ये 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है, ये आपको दिखाई देता है। अगर 4000 से 8000 के बीच में नहीं है, इससे छोटा है वेवलेंथ, तो अल्ट्रावायलेट में जाता है, और अगर इससे बड़ा है तो इंफ्रारेड में आता है। ठीक है, अब आइए यहाँ हम जो मोबाइल कम्युनिकेशन या टेलीफोन कम्युनिकेशन या जो हम दूरदर्शन के जो प्रोग्राम ब्रॉडकास्टिंग है, जिनको आप एज अ डिस्क यूज करते हैं, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इनको हम हाई एनर्जी के रेडिएशन में स्पेस में छोड़ दे रहे हैं, उससे दिक्कत हो रही है ग्लोबल वार्मिंग की, उससे दिक्कत हो रही है हम लोगों के मेंटल डिफॉर्मेशन की, उससे दिक्कत हो रही है लिविंग रेस्ट ऑफ द स्मॉल क्रिएटर की, चिड़िया कौआ बाज ये सब इरिटेट हो रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है एटमॉस्फेयर का, ग्लेशियर में आइस चल रही है। तो हम भविष्य में कम्युनिकेशन सिस्टम मोबाइल का वो स्पेस टू स्पेस नहीं रखने वाले हैं। हम करते क्या है, आज की डेट में जो नया कम्युनिकेशन सिस्टम है उसमें हम ऑडियो को या वीडियो को कन्वर्ट कर देते हैं ऑर्डिनरी लाइट में, यही ऑर्डिनरी लाइट जो हम लोग देखने में यूज कर रहे हैं, क्योंकि इससे किसी को दिक्कत नहीं है, इससे ना तो लिटिल एनिमल क्रिएचर्स को दिक्कत है, ना हम लोगों को दिक्कत है, लेकिन माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड्स, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, ये हम लोगों के ऊपर जो है स्किन एलर्जी क्रिएट कर रही हैं, लंग्स इंफेक्शन क्रिएट कर रही हैं, बहुत सी बीमारियों का कारण बन रही हैं, और साथ में ग्लेशियर के गलने की वजह से डिसबैलेंस हो रहा है हमारे क्लाइमेट का। तो हम भविष्य में जो कम्युनिकेशन सिस्टम लेने वाले हैं वो कम्युनिकेशन सिस्टम ये है कि हम अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है, ऑडियो क्लिप हो चाहे वीडियो क्लिप हो, ये बहुत आगे चल के पूरा एक चैप्टर ही है, हमें यहाँ सिर्फ उसका एक छोटा सा पार्ट पढ़ना है कि एक केबल हम डिजाइन करेंगे, वो केबल इन इंफॉर्मेशन को ले जाएगा थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ CIR, इनको लाइट पाइप कहते हैं। तो हम ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम में ऑप्टिक वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि अभी तक जो कम्युनिकेशन सिस्टम थे, कम्युनिकेशन सिस्टम का मतलब इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग एंड रिसीविंग, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इंफ्रारेड और माइक्रोवेव हुआ करते थे, इनसे एटमॉस्फेयर या क्लाइमेट में दिक्कत हो रही है, हम लोगों को भी दिक्कत हो रही है, लिटिल बर्ड्स, एनिमल क्रिएटर ये डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो हम अब इंफॉर्मेशन को इंफ्रारेड या माइक्रोवेव में या मैग्नेटिक वेव में, हाई एनर्जेटिक मैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट नहीं करेंगे, हम उनको एक सिस्टम के थ्रू ऑर्डिनरी लाइट में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन ऑर्डिनरी लाइट तो बहुत दूर तक नहीं जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने टॉर्च की लाइट से किसी दीवार पर लाइट मार के देखिए, आपको एक स्पॉट दिखेगा। अब आप पीछे हटना शुरू कीजिए, 10 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर पीछे हट के आप देखेंगे कि वो लाइट उस वॉल तक नहीं पहुंच पा रही है। क्या ये क्लियर है मैं क्या कह रहा हूँ? हेलो हेलो सर, वो लाइट फैलती जाएगी और डिसअपियर हो जाएगी, यानी ऑर्डिनरी लाइट की औकात इतनी नहीं है कि वो एटमॉस्फेयर में बहुत दूर तक अपनी एनर्जी लेके प्रोपगेट हो सके। एटमॉस्फेयर के पार्टिकल उससे एनर्जी लेते जाएंगे और धीरे 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 वो डिसअपियर हो जाएगी। अगर ऑर्डिनरी लाइट डिसअपियर नहीं होती तब तो बहुत अच्छा होता, मोहल्ले में कोई भी एक बल्ब जलाता और हम उसकी लाइट में अपने घर में बैठ के पढ़ लेते। क्यों? क्योंकि लाइट वहां से चलती हुई हमारे घर तक आती और कोई एनर्जी लॉस नहीं है, तो उतनी ही शाइनिंग, उतनी ही ब्राइटनेस, उतना ही इल्यूमिनेंस देता जितना कि उसको मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है, जैसे जैसे लाइट बल्ब से दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे लाइट की इंटेंसिटी कम होती जाती है। लाइट की इंटेंसिटी का वेरिएशन इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है। जो कूलम्स लॉ में था, जो ग्रेविटेशनल लॉ में था, वही लॉ लाइट भी फॉलो करती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन होती है। तो इस तरीके से ऑर्डिनरी लाइट में कन्वर्ट तो हम कर लेंगे, इससे एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट होगा, लेकिन अब इस ऑर्डिनरी लाइट को हम भेज नहीं सकते एटमॉस्फेयर में, जाओ उड़ा दिए जाओ,
जाओ तो मतलब ये भी बहुत जाएगी तो 100 मीटर तक जाएगी, इतनी कम वैल्यू हो जाएगी इसकी एनर्जी की कि जब रिसीव करेंगे तो खाली खड़ 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 भड़ 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 या फिर ऐसे आपको कहते ना मच्छर बन गया पूरे टीवी पर, वो स्प्लिटिंग और वो कट ऑफ करके आता है स्प्लिटिंग करके, इस तरीके की इमेज बनेगी। ऐसा सिर्फ इस वजह से होगा कि ब्रॉडकास्टेड इंफॉर्मेशन सिग्नल की एनर्जी एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब की। तो हम एटमॉस्फेयर को पॉल्यूशन फ्री बनाने के लिए इंफॉर्मेशन को इंफ्रारेड और माइक्रोवेव में ना कन्वर्ट करके ऑर्डिनरी लाइट में कन्वर्ट करते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं ऑप्टिक। और अब इसको एटमॉस्फेयर में नहीं, एक केबल है जिसको हम ऑप्टिकल फाइबर कह रहे हैं, में इंट्रोड्यूस कर देते हैं एट अ वन पार्टिकुलर एंगल, और ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू ब्रॉडकास्ट हो जाता है। कैसे वो हम आपको दिखा रहे हैं। एक पाइप है जिसमें लाइट प्रोपगेट करती है, लाइट पाइप कहते हैं। पाइप बोल देने का मतलब ये नहीं है कि ये खाली है अंदर से, ये अंदर बहुत डेंस मटेरियल का है जिसको क्वार्ट्ज या ग्लास कहते हैं, और ये जो रिलायंस वालों ने ऑप्टिकल फाइबर जमीन में डलवाया है उसी की बात हो रही है। अगर हम ऑप्टिकल फाइबर, एक तो पहली बात, अगर ऑप्टिकल फाइबर का एक वायर हम पकड़े तो वो बिल्कुल हेयर के जैसा है। एक ऑप्टिकल फाइबर जो वायर है वो एक बाल जितनी मोटाई का है। बाल का जो डायामीटर है वो 50 माइक्रोन होता है, मतलब आपके सर में जो बाल है उसमें से एक हेयर आप पकड़िए, उस एक हेयर जैसा एक वायर होता है, और उस एक वायर में 2000 कन्वर्सेशंस या इंफॉर्मेशन चलती है। मतलब सर के बाल जैसा पतला वायर है और उसमें 2000 इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट होती है एट अ टाइम। तो सोचिए जो केबल पढ़ रहा है बाहर, वो आपको याद होगा जो केबल पढ़ रहा है वो इतना मोटा या इससे शायद मोटा है, चार मार्कर मैंने जोड़ा है। चार मार्कर जोड़ने पर आपको जो ये क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, ये आपको क्रॉस सेक्शन दिख रहा है दस, इससे भी मोटा है, हाथ में से पकड़ेंगे तो इतना। अब इतने में देख लीजिए कि कितना बाल आएगा, आप अपना बाल और दो चार और लोगों का बाल मुठिया सकते हैं, ठीक है। आप मुट्ठे में पकड़ के देख लीजिए कितना बाल आएगा, मिलियंस ऑफ द हेयर आएंगे और मिलियंस ऑफ द वायर, और पर वायर की जो बियरिंग स्ट्रेंथ है वो 2000 है। इसीलिए आज आप इतना सस्ता नेट पैक और इतना सस्ता आप इंटरनेट यूज कर पा रहे हैं। तो ये जो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम है, इसमें एक वायर की हम बात करें जो एकदम बालों की तरह पतला है, उसका एक स्ट्रक्चर है, उसका डायमीटर 50 माइक्रोन है, और ये लंबाई में एक सिटी से दूसरे सिटी से तीसरे सिटी तक चला गया है। अगर उसको मैग्नीफाइड फॉर्मेट में दिखाया है तो मैग्नीफाइड फॉर्मेट में ये सेंट्रल प्रोपोर्शन है, इसको कोर कहते हैं, मतलब हेयर लाइक ही है, उसमें भी दो लेयर है, सेंट्रल लेयर ये है ऐसे है, इसको कोर कहते हैं। ये बहुत हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का होता है, और जो दूसरा है इसको सराउंड किए हुए उसको क्लैड कहते हैं, मतलब टू लेयर्ड वायर होता है। सेंट्रल लेयर हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बना होता है, आउटर लेयर लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बना होता है, इसको ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। इसका इस्तेमाल हम उस लाइट सिग्नल को दूर ले जाने में करने वाले हैं जिसमें इंफॉर्मेशन हमने स्टोर कर रखी है, जो कि ऑडियो या वीडियो है। ऑर्डिनरी लाइट है तो एटमॉस्फेयर में उसको स्प्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि एटमॉस्फेयर में वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस नहीं जाएगी। तो ये ऑप्टिकल फाइबर है जिसका सेंट्रल कोर हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है, और सराउंडिंग जो है दैट सराउंडिंग इज आप लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको क्लैश कर रहे हैं। तो सेंट्रल वाले का नाम है कोर, CORE, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है, ठीक है। चलिए मान लिया N1 है, क्योंकि जो आपको प्रिंटेड मिला है उसमें इसका N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है, और जो सराउंडेड है उसको क्लैडिंग कहते हैं, CLA CLA DDING, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 दिया गया है। और बाहर आएंगे तो फिर तो एयर है ना, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो आप N0 कहते हैं, या आपको वैल्यू ही पता है एयर का 1 है, ठीक है। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या मटेरियल बहुत ज्यादा हाई है इन कंपैरिजन टू द क्लैड। अब यहाँ इस सरफेस पर आइए, इस सरफेस को हम कहते हैं कोर एयर इंटरफेस,
और अगर यहाँ हाथ रखेंगे, यहाँ हाथ रखेंगे तो एयर कोर, यहाँ हाथ रखेंगे तो एयर क्लैड, यहाँ हाथ रखेंगे तो क्लैड कोर, यहाँ हाथ रखेंगे क्लैडिंग एयर, मतलब कितने कितनी जगह रिफ्रैक्शन का चांस है। अगर यहाँ कोई रे एंटर करेगी तो एयर टू कोर यानी रेयर टू डेंसर, अगर कोई कोर से क्लैड में जाना चाहेगी तो डेंसर टू रेयर, अगर कोई क्लैड टू एयर में जाना चाहेगी तो डेंसर टू रेयर, अगर कोई रे यहाँ से एंटर कर रही है अंदर तो एयर से क्लैड यानी डेंसर में जा रही है। अब इस ऑप्टिकल फाइबर में अगर आप इसको एज अ नॉर्मल ले लेते, टाइम आउट दिखा रहा है अभी 5 मिनट में ये कट जाएगा, तो आपको पता है हमेशा की तरह हम लोग वापस आएंगे, 5 मिनट लगता है मुझे वापस आने में उसी आईडी पर, तो क्लास कंटिन्यू रहेगी, तो सुनते रहिए। ये नॉर्मल हो गया यहाँ पे डेस्क, ये अब ये हो गया एयर, ये हो गया कोर, एयर कोर इंटरफेस। अभी हम अगर एक सिग्नल को, अब सिग्नल इसमें एंटर कराना है, तो देखिए हमने एक रे की चीज डेस्क, ये रे ऐसी ली है कि इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत ज्यादा है। चलिए दूसरी रे लेते हैं लो एंगल ऑफ इंसिडेंस की, ये डबल एरो, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कम है, और एक तीसरी रे लेते हैं जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस और कम है, मतलब हम बहुत सारे एंगल्स पर इंटर कराने वाले हैं ऑप्टिकल सिग्नल को। ये इंफॉर्मेशन है जिनको हमने ऑर्डिनरी लाइट में बदल लिया ताकि एटमॉस्फेयर पॉल्यूट ना हो और लिविंग क्रिएचर्स को कोई दिक्कत ना हो, लेकिन इनको हम एटमॉस्फेयर में एंटीना टू एंटीना नहीं भेज पा रहे, इसके लिए हम इनको एक स्पेशल मैन्युफैक्चर्ड कैबिन में एंटर करा रहे हैं। एंटर कराने के लिए हम कह रहे हैं कि हायर एंगल ऑफ इंसिडेंस पर एंटर कराइए, लोअर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंटर कराइए, और लोअर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंटर कराइए। देखिए क्या आपको देखने को यहाँ मिलेगा, ये ट्रिपल एरो है, आपको ये देखने को मिलेगा कि जो पहली वाली है सिंगल एरो जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस काफी ज्यादा है, ये जब अंदर जाने की कोशिश कर रही है तो जैसे ही अंदर जाएगी एयर टू कोर है टूवर्ड नॉर्मल। देखिए ये ऐसे जाने वाली थी, ऐसे ऐसे ये ऐसे जाने वाली थी लेकिन डेंसर में गई है टूवर्ड नॉर्मल, टूवर्ड नॉर्मल यहाँ आ गई, ठीक है, यानी फर्स्ट एरो रे यहाँ मिली। अब देख रहे हैं कि जैसे जैसे इधर जा रहा है ये लो एंगल ऑफ इंसिडेंस, वैसे वैसे यहाँ का एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा। जैसे सिंगल एरो वाला यहाँ टकराया, यहाँ का एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको दिखा दिस, आप डबल एरो वाले को जरा आगे बढ़ाइए, डबल एरो वाला जब अंदर गया तो टूवर्ड नॉर्मल, तो जब ये ब्लैक वाला गया है तो ये आएगा, डबल एरो यहाँ गया डेस्क, और जब ये रेड वाला जो तीसरा वाला हमने खींचा है ट्रिपल एरो, जब ये अंदर जाएगा तो इसका यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस कम किया गया है, लेकिन जब ये अंदर जा रहा है देखिए ये ऐसे जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन टूवर्ड नॉर्मल ये ऐसे जाएगा, मतलब आप ये देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से ट्रिपल एरो, आप ये बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। हम इसको डॉट डॉट से कर दे रहे हैं क्योंकि रेड कलर दिख नहीं रहा होगा, ये डॉट डॉट ये थर्ड एरो वाली लाइन है एंड दिस हैविंग द वेरी लो लो एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जब यहाँ टकराई है तो अब यहाँ जब ये टकराई है तो अब अगर यहाँ हम देखें तो यहाँ इन तीनों में सबसे ज्यादा हिटिंग एंगल इसी का है, मतलब यहाँ जिसका एंटरिंग एंगल ज्यादा है, सबसे ज्यादा एंटरिंग एंगल ब्लू वाले का है सिंगल एरो का है, तो यहाँ ये एंगल सबसे कम है, फिर डबल एरो वाले का है, डबल एरो वाले का एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा कम किए हैं, और जब ये गया है तो जब टकराया है तो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है तो इसका एंगल बढ़ गया है, इसका एंगल और बढ़ गया है। जितना ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस रखेंगे उसका यहाँ एंगल बहुत कम होगा, एंगल कम होने का मतलब क्रिटिकल से कम पड़ गया, अगर क्रिटिकल से कम पड़ गया ये तो नेक्स्ट मीडियम में रिफ्रैक्ट हो जाएगी, क्योंकि डेंसर टू रेयरर का केस है तो PIR होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन PIR इस वजह से नहीं हो पाएगा क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन द क्रिटिकल एंगल। ये क्या होगा, डेंसर टू रेयरर है तो अवे टू द नॉर्मल, तो अवे टू द नॉर्मल यहाँ आ गई, कन्फर्म है कि इसकी और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ऐसा रेशियो मेंटेन करते हैं कि कोर से तो निकल गई लेकिन क्लैड से एयर में नहीं जा पाएगी, क्योंकि यहाँ भी TIR का चांस है, क्लैड की डेंसिटी ज्यादा है एयर की डेंसिटी कम है। डेंसर टू रेयरर फर्स्ट क्राइटेरिया ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और अब यहाँ ये ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इसको कहते हैं कॉल ड्रॉप। कई बार ऐसा होता है कि जब आप किसी को कॉल कर देते हैं तो
कोई आवाज एकदम सन्न सन्नाटा खींच लेता है, मतलब पता नहीं चलता है लगा है कि नहीं लगा है, वो ये प्रोसेस होता है, मतलब दिस इज इनवैलिड। यहाँ बहुत ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं रखते, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस रखने पर यहाँ एंगल ऑफ हिटिंग जो है वो क्रिटिकल से कम पड़ जाता है, क्रिटिकल से कम हो जाने की वजह से TIR नहीं होता, और अब ये रे क्लैड में अपियर होती है, क्लैड से बाहर निकलने की कोशिश करती है, नहीं निकल पाती, TIR शो करती है, वापस आती है, लेकिन ये इतना लेंदी ट्रैक हो गया कि इसकी एनर्जी लॉस हो जाती है और ये कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे पाती, इसी को कॉल ड्रॉप कहते हैं। आ जाइए सेकंड पर, अगर इस ब्लैक वाले को देखा है तो हमने थोड़ा सा एंगल ऑफ इंसिडेंस कम कर दिया, कम करते ही ये एंगल जस्ट क्रिटिकल का क्राइटेरिया पूरा कर ले गया, जस्ट क्रिटिकल का क्राइटेरिया पूरा किया तो ग्रेजेस अलोंग द इंटरफेस ऐसे चला गया। ये भी अच्छा मेथड नहीं है, क्यों? क्योंकि जब दो इंटरफेस के बीच में होता है तो हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कि इसका, तो TIR तो हो गया लेकिन दिस इज नॉट द बेस्ट। लेकिन अगर हम इस एंगल से, इस ब्लैक वाले से थोड़ा कम एंगल पर, ये ट्रिपल एरो वाला जिसको हम डॉट डॉट करके दिखा रहे थे, अगर इस पर लेकर चले तो ये जब अंदर पहुंचा है तो देख रहे हैं यहाँ आया है एंड दिस इज एट ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, और आपको पता है ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल फर्स्ट से TIR शो करके रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, यहाँ टकराएगा लेकिन ये नेक्स्ट मीडिया में नहीं जाएगा क्योंकि कोर से क्लैड में जाने की कोशिश कर रहा है, सिमेट्री की वजह से अगर ये सी है ग्रेटर देन सी है तो ये भी ग्रेटर देन सी होगा, ये भी ग्रेटर देन सी होगा, और ग्रेटर देन सी को जैसे फट से रिफ्लेक्ट बैक होकर यहाँ पहुंच जाएगा, ये भी ग्रेटर देन सी है, ये भी ग्रेटर, यानी कि TIR की वजह से अब ये है इस तरीके से ट्रैक फॉलो करता हुआ कैबिन के अंदर नेक्स्ट एंड पर अपीयर हो जाएगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में वर्ड टोटल इसलिए लगा है क्योंकि ये 100% एनर्जी को वापस करता है, यानी ये 100% एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये 100%। इस तरीके से हम एक शहर से दूसरे शहर तक पाइप को बिठाएंगे और पाइप के सेंट्रल कोर में इंफॉर्मेशन को एक पार्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस से कम एंगल पर एंटर कराएंगे, जिसकी वजह से कोर क्लैड इंटरफेस पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने पर ये मल्टीपली रिफ्लेक्ट होते हुए बिना किसी लॉस के नेक्स्ट एंड पर अपीयर हो जाएगा, और इस तरीके से हम इस ऑप्टिकल इंफॉर्मेशन को नेक्स्ट डिस्टेंट प्लेस पर पा लेंगे। अब ये तो एक्सप्लेनेशन हो गया कि यहाँ हमारे पास तीन एंगल है, में एक पार्टिकुलर एंगल, ये वाला एंगल ऐसा है कि जो जस्ट क्रिटिकल का क्राइटेरिया पूरा करा रहा है, और अगर जनरल लाइट सिग्नल में कन्वर्ट किया तो स्पेस में पब्लिश नहीं कर पाए क्योंकि ये बहुत दूर तक नहीं जा सकता था, तो हमने उस केस में इन सिग्नल्स को ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया, और ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने के बाद, ऑप्टिकल मतलब विजिबल लाइट में कन्वर्ट किया, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट नहीं करती और किसी भी तरीके से हमें हार्म नहीं पहुंचाती हैं। अब इन इंफॉर्मेशन को इस केबल में एंटर कराना था जो बिल्कुल हेयर लाइक था, 50 माइक्रॉन इसका डायमीटर था, लेंथ तो एक शहर से दूसरे शहर से तीसरे शहर से लंदन अमेरिका जहां तक ले जाना चाहिए ले जाइए, हेयर जैसा होने में भी सेंट्रल पार्ट हाई रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का मेटीरियल था, नाम था कोर, सराउंडिंग मीडिया जो था उसको हमने लो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का रखा था क्लैड, और उसके बाहर और लो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है दैट इज एयर। हमने कहा कि हम यहाँ इंफॉर्मेशन को एंटर कराते हैं, तो एंटर कराने में किसी भी एंगल पर एंटर नहीं करा सकते, एक पार्टिकुलर एंगल है, यहाँ ये जो डबल एरो वाला है जिसके लिए ये पार्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जिससे कम एंगल रखेंगे तो TIR होगा।
और इससे ज्यादा एंट्रिंग रखेंगे तो टीआईआर नहीं होगा। अगर इस ब्लैक वाले को एक चक्कर पूरा घुमा के और वापस ले आते तो आपको एक कोन दिख जाता, इसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस कोन। ये वो कोन है जिसमें इंफॉर्मेशन को एंट्री देने पर वो इस केस को फॉलो करेगा, कहते हैं प्रॉपर गाइडिंग। प्रॉपर गाइडिंग का मतलब होता है कि एक इंफॉर्मेशन को हम इतने लो एंगल पर एंटर करा रहे हैं कि यहाँ PIR का क्राइटेरिया, यहाँ का मतलब कोर CAD इंटरफेस से PIR का क्राइटेरिया पूरा हो रहा है, और PIR का क्राइटेरिया पूरा होने पर मल्टीपली रिफ्लेक्ट होते हुए नेक्स्ट एंड पर पहुंच जा रहा है। इस एंगल को ये जो ग्रीन वाला है ये, या ये जो डबल एरो वाला है, ये जो एंगल बना रहा है इंट्रेंस के साथ, इसको एक्सेप्टेंस एंगल थीटा ए कहते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन जो इस कोन के अंदर होगी, इस कोन के, उसको प्रॉपर गाइडिंग बोलेंगे, और अगर इस कोन के बाहर कोई इंफॉर्मेशन एंटर करने की कोशिश कर रहा है तो इम्प्रॉपर गाइड होगा। तो ये मैंने एक्सप्लेन किया व्हाट इज ऑप्टिक फाइबर, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया हाउ द ऑप्टिकल सिग्नल इज टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन साइड दिस केबल सो दैट प्रॉपर CIR आकर, और प्रॉपर CIR आकर होने की वजह से मल्टीपली रिफ्लेक्ट होते हुए बिना एनर्जी लॉस के ये नेक्स्ट एंड पर पहुंच गया। इस तरीके से हम एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट होने से बचा ले गए। ये तो एक्सप्लेनेशन था, अगर आएगा तो आपको भी ऐसे ही लिख के एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसका एक डेरिवेशन है छोटा सा, तो जरा वो डेरिवेशन भी देख लेते हैं। उस डेरिवेशन से आपको ये पता चलता है कि जो एक्सेप्टेंस एंगल था ये कितना था। जैसे जैसे यही डायग्राम हमें एक बार और बनाना पड़ेगा, लेकिन इतनी रे नहीं चलानी पड़ेगी, यहाँ तो तीन रे चलानी पड़ी। एक जिसने TIR का क्राइटेरिया नहीं पूरा किया, एक जिसने TIR का क्राइटेरिया जस्ट पूरा किया, और एक जो TIR का क्राइटेरिया पूरी तरीके से फॉलो कर रही थी। आपने देखा कि अगर आप एक्सेप्टेंस कोन में इंफॉर्मेशन को इंट्रोड्यूस होने देंगे तो उस केस में प्रॉपर गाइडिंग होगी। तो वही डायग्राम है, उसमें से आप सिर्फ उस रे को कंसीडर कीजिए जो जस्ट TIR फॉलो कर रहा था, और देखिए आपको एक सिंपल सा मैथमेटिकल रिलेशन मिलेगा। ये सेंट्रल कोर है मेड ऑफ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका नाम कोर है, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम N1 कह रहे हैं और इसका नाम है 1। ये है तो कोर, नो डाउट इसका नाम है कोर, इसको 1 कहा गया है। आपको जो प्रिंटेड मिला है या आपके पास जो ऑनलाइन स्टडी मेटेरियल अवेलेबल है, इसके रिफ्रेक्टिव इंडेक्स को N1 कह रहे हैं। सराउंडिंग जो है वो लो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का है, जिसको हम क्लैडिंग कह रहे हैं। तो इस तरीके से आपके पास कोर एंड क्लैड, ये क्लैड की अपियरेंस हो गई यहाँ पे, ये यहाँ क्लैड की अपियरेंस हो गई। तो ये तो ऑप्टिकल फाइबर हो गया, ठीक है, इसको कम्युनिकेशन में यूज कर रहे हैं ताकि एटमॉस्फेयर पॉल्यूट ना हो और हम हाई क्वालिटी के डेफिनेशन, हाई डेफिनेशन वाले इंफॉर्मेशन सिग्नल्स को नेक्स्ट एंड पर पा जाए विदाउट एनर्जी लॉस। यहाँ से इंट्रेंस ले लीजिए, इंट्रेंस में आपको ये दिखाया गया, ये नॉर्मल हो गया। बहुत सारे में से आप जस्ट क्रिटिकल वाला ले लीजिए, मतलब ये इंफॉर्मेशन सिग्नल यहाँ एक्सेप्टेंस एंगल पर है, और आपको पता है कि अगर रियल में आपको किसी सिग्नल को ब्रॉडकास्ट करना है इसके अंदर, तो इस थीटा ए से कम एंगल पर अगर इंटरेंस देंगे इंफॉर्मेशन को तो प्रॉपर गाइड होगा। इसका क्या होगा, ये जब आगे बढ़ेगा तो यहाँ डेंसर मीडियम में गया है, टूवर्ड नॉर्मल जाएगा, जस्ट क्रिटिकल का क्राइटेरिया पूरा किया है तो ग्रेज हो जाएगा, ठीक है। आप इसको 1 कह रहे हैं नाम में, क्लैड को 2 कह रहे हैं नाम में, सराउंडिंग को 0 कह रहे हैं नाम में। अब आ जाइए, अगर मैं इसको मान लेता से दिस रिफ्रैक्शन एंगल इज आर, तो आपके पास डेरिवेशन के लिए देखिए क्या है, आप यहां लिखना जानते हैं साइन सी अपॉन साइन 90 इज इक्वल टू 1 N2, मीन्स कोर क्लैड इंटरफेस के इस पॉइंट पर आप लिख सकते हैं साइन सी इज इक्वल टू 1 N2, और इसको लिख सकते हैं N2/N1। N2 का मतलब क्लैड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और N1 का मतलब कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, होल्ड कर लीजिए इसको। दूसरा, अगर आप इसको आगे बढ़ाए तो ये 90 डिग्री है,
क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल हो गया ना ये, तो ये हो गया c, ये हो गया 90, तो ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा 90 माइनस c, ये वाला जो एंगल होगा ये c है ये 90 है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 90 c। अब इस पॉइंट पर हाथ रखेंगे तो 0 n1, 0 से 1 में जा रहे हैं, 0 n1, 0 n1 sin थीटा a अपॉन sin r, sin थीटा a, वेयर थीटा a इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस एंगल, और कोई भी इंफॉर्मेशन का यहां इंटरेंस एंगल लेस देन टू एक्सेप्टेंस एंगल होना चाहिए और प्रॉपर गाइडिंग। तो sin थीटा a अपॉन sin r, r को आप जान रहे हैं sin 90 माइनस c है, हो जाएगा sin r, r की जगह हो गया 90 माइनस c, sin 90 माइनस थीटा इज द cos थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा ए अपान साइन 90 माइनस सी हो जाएगा कॉस सी, यहां से साइन थीटा ए निकालिए आपको क्या मिल रहा है, साइन थीटा ए इज इक्वल टू आपको मिल रहा है 0 n1 कॉस सी, 0 n1 का मतलब क्या, n1 अपान n0, n0 मतलब एयर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1 होता है, cos c, cos c को लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर c, n1 अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर c, और साइन c तो आप निकाल चुके हैं n2 बाई n1, उठा के यहां पुट कर दीजिए, मींस इसको हम यहां ऊपर लिख रहे हैं, ये हो जाएगा n1 अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर c, में साइन c की वैल्यू n2 बाई n1 है रखेंगे तो हो जाएगा n2 स्क्वायर अपान n1 स्क्वायर, हो जाएगा n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, n1 स्क्वायर बाहर आएगा n1 कट जाएगा, फाइनल फार्मूला इज n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। कितना आसान फार्मूला है, अगर थीटा a इज द एक्सेप्टेंस एंगल तो इस एक्सेप्टेंस एंगल का फार्मूला आ रहा है साइन थीटा एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, n1 कोर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है, n2 क्लैड का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है, मतलब ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम में एक फार्मूला है और वो फार्मूला है साइन थीटा a इज इक्वल टू अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। ठीक है, अगर बता दिया जाता कोर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना है, अगर बता दिया जाता क्लैड का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना है, तो आप सॉल्व करके एक्सेप्टेंस एंगल निकालते, आता से 30 डिग्री आता, से 23 डिग्री आता, ये यही तो आता, यानी कि मान लेते हैं सॉल्व किया आ गया 30 डिग्री, क्या मतलब होगा, मतलब होगा कि जो इंटरेंस एंगल है वो प्रॉपर होना चाहिए, मीन्स 30 डिग्री से कम होना चाहिए, 30 डिग्री से कम होगा तो यहाँ TIR का क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा और ये मल्टीपली रिफ्लेक्ट होते हुए नेक्स्ट हैंड पर निकल जाएगा। लास्ट एग्जांपल ले लीजिए, रेनबो, जब सन साइन के साथ वाटर रेनिंग भी होती है तो उस केस में आप हैंगिंग कलर्ड आर्क इन स्काई देखते हैं, आपको जो रंग बिरंगे आर्क दिखते हैं उनका सेंटर जो है, उनका सेंटर सन और आपकी आई की जो ज्वाइनिंग लाइन है उस पर होता है, यानी उन हैंगिंग आर्क को अगर पूरा किया जाए तो एक सर्किल बनेगा, उस सर्किल का सेंटर उस लाइन पर होता है जो लाइन आपके आंख से होते हुए सन को ज्वाइन करेगी, यानी सन और आपकी आंख को जोड़ने वाली लाइन को आगे बढ़ाए उसको सेंटर लाए, तो उसके सेंटर के रिस्पेक्ट में वो आर्क होते हैं। हमें ये सब नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है कि रेनबो क्यों बनता है या कैसे बनता है। रेनबो में दो फिनोमेना एक साथ होती है, एक डिस्पर्जन की और एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, हम यहाँ डायग्राम में क्लियर कर रहे हैं। यानी कि रेनबो क्या है, हैंगिंग कलर्ड आर्क्स फॉर्म्स इन द स्काई व्हेन द सन शाइनिंग एंड रेनिंग बोथ आकर्स साइमल्टेनियसली, पानी बरसने के साथ अगर सन की शाइनिंग भी मेंटेन है तो आप स्पेस में हैंगिंग कलर्ड आर्क्स देखते हैं जिनको रेनबो कहते हैं। अब हम ये कह रहे हैं
कि अगर ये सन है और हम कह रहे हैं ये आपकी आंख है दिस, तो ये सन और आपकी आई को जोड़ने वाली लाइन जो है इसको जनरेट कर लीजिए, इसी को इसी लाइन पर सेंटर है, इसी पर अगर हम कंपास लगाए और कंपास लगा के आर्क खींचे देस देस देस, तो वही आर्क आपको डिफरेंट कलर के दिखाई देंगी। क्यों दिखाई देंगी, ये देखिए पानी की अगर एक ड्रॉप लें हम देस, तो होता क्या है सन की, अब भाई सन तो रियल में है ना, सन तो इंफिनिटी पर है, तो इसके पैरेलल कोई भी लाइन खींचेंगे तो वो लाइन क्या होगी, कमिंग फ्रॉम सन हो जाएगी। इसके पैरेलल लाइन खींचिए जो रेन ड्रॉप में एंटर करिए, देखिए ये देखिए, यानी कि ये सन रियल में यहाँ नहीं है, सन तो इंफिनिटी पर है ना, तो हम यहाँ से थोड़े ना रे चलाएंगे, इसके पैरेलल कोई भी रे खींचेंगे तो कॉल्ड कमिंग फ्रॉम द सन, ये सन से आई रे। अब आपको पता है कि एयर से वाटर ड्रॉपलेट में एंटर करिए, डेंसर अगर यहाँ नॉर्मल ढूंढ लेते तो टूअर्ड नॉर्मल टकराई, यहाँ नॉर्मल ढूंढ लेते ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल था, रिफ्लेक्ट बैक हो गई, रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद अब डेंसर टू रेयर आई पर अपीयर हो गई, क्लियर है। यानी हुआ क्या कि एक रे एयर से ड्रॉपलेट में गई और ड्रॉपलेट से जब बाहर निकलने की कोशिश की तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, ग्रेटर देन क्रिटिकल का था, रिफ्लेक्ट बैक हुई। अब जब ये एंटर की तो ये तो व्हाइट लाइट थी, क्योंकि सन में सातों कलर होते हैं, तो हुआ ये कि ये एक रे रह गई, ये मल्टीपल कलर में स्प्लिट हो गई ऐसे, और सभी ने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का क्राइटेरिया पूरा किया और सभी वहां से रिफ्लेक्ट हुई, और रिफ्लेक्ट होने के बाद अब इस डेंसर टू रेयरर में वापस आ गई एट अ डिफरेंट एंगल, ठीक है। इसी तरह से दूसरी तीसरी चौथी, अगर हम इस लाइन को सेंटर लेके आर्क लगाए तो एक आर्क दो आर्क तीन आर्क चार आर्क ऐसे ढेर सारे आर्क बन रहे हैं, हर आर्क पर एक कलर है, हर आर्क पर एक कलर है, और ये कलर होता है। हेलो, अच्छा बैठे रहो आप, बस ऑनलाइन खत्म हो रहा है। तो अकॉर्डिंगली हमारे पास ये जो आर्क है ये होती है वी आई बी जी वाई ओ आर, यानी जो सेंट्रल होता है वो वायलेट होता है, जो आउटर होता है वो रेड होता है। यहाँ वन टाइम डिस्पर्जन प्लस वन टाइम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अकॉर्डिंगली इसको कहते हैं प्राइमरी रेनबो फॉर्मेशन। इसी के ऊपर अगर एक दूसरी ड्रॉप बनाए अपर एटमॉस्फेयर में तो डबल टी आई आर होता है। देखिए ये सन रे आई ऐसे, पहला टी आई आर सो की, यहाँ टी आई आर नहीं होगा, रेयर टू डेंसर, यहाँ डेंसर टू रेयर, तो अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, और अब यहाँ फिर निकालिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, फिर रिफ्लेक्ट हो गई, दैट इज टी आई आर फॉलो किया और वापस जो है नेक्स्ट मीडियम में आ गए, मतलब और थोड़ा बड़ा ड्रॉपलेट बना है तो दो बार टी आई आर होगा। ये देखिए ये एंटर की, यहाँ पहुंची, यहाँ टी आई आर का क्राइटेरिया पूरा की, यहाँ पहुंची, यहाँ टी आई आर का क्राइटेरिया पूरा की, और अभी यहाँ आने के बाद ये रिफ्लेक्ट होके आई पर वापस आ गई। दो बार टी आई आर होता है तो इसको इसको हम सेकेंडरी रेनबो कहते हैं, ये अपर एटमॉस्फेयर में होता है और सिंगल होता है, सिंगल टी आई आर के थ्रू डिस्पर्जन से रेज आई पर पहुंचती है तो इसको प्राइमरी रेनबो कहते हैं। प्राइमरी के ऊपर ही सेकेंडरी बनता है और कलर का ऑर्डर रिवर्स होता है, मतलब ये आर्क जो बनेंगी इसमें रिवर्स ऑर्डर होगा, यानी विप्योर था ये हो जाएगा इनर आर्क हो जाएगा आर और आउटर आर्क हो जाएगा वायलेट। नोट्स में पढ़ लीजिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट संडे को, और अभी कुछ और एक आध लाइन एक्सप्लेनेशन, अदरवाइज लास्ट पार्ट में एंटर करेंगे, दैट इज द टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। हैव अ ग्रेट डे और पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सर। Yes, sir.